तेरी शरणा में बख्श लो परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास करण तेरा मन हाथ तू सब कुछ तेरे पास अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास तू राजा अधिराज है मैं दफन करदास तू ही निरंकार में तेरी शरणा में तू ही निरंकार में तेरी शरण में तू बख्श लो प्यार से कहना धन निरंकार तू ही निरंकार चीजा तो नहीं आती ना भी अपनी जगह पर अपना आ जाएगी। एक घंटे में आराम होना शुरू हो जाएगा। आज शाम को भूख ऐसी लगेगी जो 10 साल पहले लगी थी। बता दियो पहले ही कि आज भूख लग रही। बहुत सुंदर रिजल्ट है इसके। इसमें आराम होना शुरू हो जाएगा 10 मिनट में। शाम तो महाराज बस आप निकलना मान लो बैठो आप बस थोड़ी देर अभी लो। इनके भाई भी आ गए हैं आपके पास। अच्छा 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 वो मंजू जी कैसे बैठ गए हैं ना राजकुमार है। अच्छा अच्छा तो रमेश का दोस्त है जी। अच्छा अच्छा आमने सामने घर है हमारा मामा। चलो परमात्मा करेगा। एक तो नाभि जब अपनी जगह पर आ जाएगी लोग कहते हैं नाभि को मानते नहीं नेवल डिस्प्लेसमेंट IBS लाइलाज बीमारी बता दे मैं नाभि को। इसको पहन के नाभि अपनी जगह पर अपना आ जाएगी। बहुत दूर दूर से लोग आ रहे लखनऊ से पठानकोट से राजस्थान से हाथरस से मुरादाबाद अमरोहा मुजफ्फरनगर कल बिलासपुर से आए हिमाचल से एक लड़का 24 साल का 23 साल का एक घंटे में आराम हो गया। किसी पेट में भी आराम मिल रहा झुकने में दिक्कत नहीं हो रही और भूख भी लगने लगी एक घंटे में ही। यहीं से गया 12:30 बजे लड़का हो परसों रात चंडीगढ़ रुका फिर कल सुबह 10 बजे करीब आया वो लड़का 12 बजे 10:30 बजे आके 12 बजे करीब गया 12:30 बजे। और 4-4 साल से परेशान है बच्चे नौकरी भी नहीं कर पा रहे। हो गया फाइनल बस एक और रह गया अभी हो जाएगा बिल्कुल सही कोई दिक्कत ना मानी। एक दिन मेरी कमर तक कई नहीं ये जो नाभि उतर जाती है कई बार पेट कमर में भी दर्द होता है इससे पिल्लियों में भी दर्द होता है वो दर्द आ रहा आपका पैरालिसिस जब पूरे बॉडी में खाना हजम नहीं हो रहा पेट सही काम नहीं कर रहा कब्ज हो गया कई बार खाना खाते ही लेटरिन जाना पड़े। लोग बताते हैं इन्फेक्शन है स्वेलिंग है नलों पर सूजन है लीवर पर सूजन है गांठ सी बन जा कल ही आराम मिल जाएगा इतना जबरदस्त कि जो पिछले 4 साल में नहीं हुआ। अभी कभी भी हट जाएगी अगर आपने छल्ला निकाला फिर स्वास्थ्य कैसे बनेगा। कहीं पेट में दर्द हो कुछ हो छल्ला पहन के रखें छल्ले के लिए शू भले ही नया ले लें और चल के देख लो जिसमें दिक्कत ना हो। महीना 2 महीने बाद लेकिन थोड़ा सा अपना शू में कोई दिक्कत है तो शू उतना ऐसा पहन ले जिसमें चलने में दिक्कत ना हो पहनकर वहीं पे पहले ट्राई करो। राधा स्वामी सत्संग में थी और अगले दिन वो वहां गए ब्याह की और बिना छड़ी के घूम रही सुबह को तो मलिक परिवार आए मेरठ से। मेरठ से परिवार आया नील मलिक वहां गए थे ब्याह जी कह रहे माता जी आप छड़ी लेके घूमो क्या बिना छड़ी के कैसे घूम रहे फिरी कल छल्ला पहन के आए अली और कार्ड है उनका फिर वो अपनी वाइफ को लाए गाड़ी भर के लाए मेरठ से अभी नहीं हो सके आ भी गए। अच्छा जिनकी वाइफ को सैटी का था वो तो आके चले गए परसों। अब जब वो घर में थोड़ा बहुत ध्यान रखेगी तभी आराम मिलेगा। वो जिम्मेदारी बहुत देखती है वो घर की। बचपन में कितने उम्र हो गई आपकी
अब कहाँ पर रहते हो? भोजपुर। कहाँ पर है? दुहि जनकार में तेरी शरण में बख्श लो परम पिता परमात्मा कंकन तेरा वास कर ग्रामन हार तू सब तेरे पास देख के अवतार करे अरदास तू राजा धीराज है। आपका व्हाट्सएप नंबर चल रहा लाइलाज बीमारी लीवर पर सूजन गांठ चलो कहते हैं अगर नाम चलने का हो तो जीवन हाँ में सूजन आ गई इन्फेक्शन है लीवर पर सूजन है परहेज कर दिया यो कर दिया ये बंद कर दो ये बंद कर दो और आदमी ठीक नहीं हो पाता। आज रात को पीड़ा नहीं होने की आपको और एक घंटे बाद भी रहने की 12:30-1 बजे तक ना आपको रहेगी ना आपको और आपने एक हफ्ता 10 दिन थोड़ा भारी वजन ना उठाए जरा पहले ठीक हो जाए हमको फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे काम करो वजन का परहेज है थोड़ा सा और कुछ वो भी 10-5 दिन जरा आराम हो जाए फिर कोई दिक्कत कोई नहीं आराम आराम से उठा थोड़ा सा भी कोई दिक्कत नहीं है। आज 25 साल नाभि उतरे हो गया और इनकी शादी से पहले बस आराम से सब काम करो अभी से आराम होना शुरू हो जाएगा 1 घंटे में बस। अब देखो चमत्कार छल्ला यहाँ नाभि अपनी जगह पर अपना आ जाएगी साइकी का 4 लाख का ऑपरेशन 1 घंटे में दर्द खत्म पैर का क्या चाहिए आदमी को इसी से लोग कहते हैं ये दर्द घुटनों का दर्द लोग कहते हैं पानी भर रहा घुटनों में पानी सूख गया रेखी सिकाई से हमने डाल रखा यूट्यूब पर घुटने बदले ही जाते ओरिजिनल ठीक हो जाए 2 महीने 3 महीने 4 महीने का है अमेरिका ने लाइलाज बीमारी जिसे लोग कहते हैं 100 साल आगे हिंदुस्तान से अटल बिहारी वाजपेयी के घुटने बदले गए कोई ठीक नहीं कर सका अमेरिका तक इलाज मुफ्त था उनका और हमारे यहाँ असली घुटने ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पे संतों की महात्माओं की फकीरों का आशीर्वाद है। सरसों का शुद्ध तेल भी घर का निकला हुआ जहर है जिनके घुटनों में दर्द है जिनके गठिया का दर्द है 99% लोग सरसों का तेल खा रहे डॉक्टर कहता है सरसों का तेल खाओ उनकी किसी किताब में नहीं लिखा अमरीका तक कि सरसों का शुद्ध तेल भी जहर है गठिया बाय में जोड़ों के दर्द में घुटनों के दर्द में कह रहे थे सारे काम कर रहे हैं कुछ नहीं है और दोबारा ठीक कराने नहीं आए बिल्कुल ठीक है ना भी एक बार सेट हो गई फिर सेट ही रहेगी इससे मत निकाल लो इसे पहन कर कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है ये तो 12 साल के लिए हो गया घिसके निकलेगा हम यहाँ बैठे आके दोबारा पहन बस परमात्मा की कृपा से कोई दिक्कत ना आता। अब बाबू जी को देखो पैरों में पिंडलियों में ऐसा लगा होगा जैसे 2 पैर की जगह 4 पैरों की एनर्जी आ गई पहनते पूछो इनसे पैन की यार बीमारी बताते हैं चंडीगढ़ में नाभि को पैन की यार रोटी बंद अनार बंद सेब बंद दाल बंद सब्जी बंद और क्या क्या दाल का पानी नहीं छोड़ के पीना कपड़े में वीर सिंह सैनी आई रुटी से 6 महीने खिचड़ी का पानी मूंगी दाल का पानी पिया 6 महीने पैन की यार था 4 जून को आए थे 30 जून को आए कह रहे मैं बिल्कुल ठीक हो गया पैन की यार बीमारी थी आपने जबरदस्ती चलने बनाए पत्नी को लाए थे गठिया भाई के दर्द में घुटनों के दर्द में यहाँ से खड़े होकर कूद के दिखा रहे कि पहले भी गिर जाता था सड़क पर चलते गिर जाऊंगा 50 साल के वीर सिंह सैनी बिल्कुल ठीक है कट कट की आवाज क्या आती थी 2 काजू बताए 1 गिलास पानी में भिगो दो सुबह रात को खाओ 50 गर्म दूध पी लो कट कट की आवाज आनी बंद घुटनों की 2 काजू सुबह भिगो दो कांचे गिलास के पानी में रात को निकाल के खाओ पानी फेंक दो और गर्म दूध पियो 1-2 महीना कर लो 10 साल बाद कभी कट कट हो फिर खा लो नहीं होती तो अपना मौज लो और फिर हमें कमेंट डाल लो उस पर हमारे हमारी उस पर जो हमने डाल रखा।